Welcome to the Wildcastery channel, changing the way of learning India, number one online education channel and the Padakhan Academy. So guys, ये वाली आपकी class static GK की बहुत ही ज़्यादा important class है, क्योंकि इसके अंदर आपके आगे आने वाले जितने भी exams हैं, उनके static GK का जो portion है, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे हम cover करने लग रहे हैं। तो एक बार जल्दी से 8:50 का time है इस class का यहाँ पे, 8:50 से लेके 9:30 तक इसको हम कवर करते हैं। सब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के कोई भी एग्जाम, अभी एमटीएस का पेपर आने वाला है, तो इस क्लास में कुछ आपको मैं ना एमटीएस और जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो भी आपको कम्प्लीट कराऊंगी। तो वो आप यहाँ से पूरा का पूरा कम्प्लीट करोगे। साथ में 6 बजे की जो शाम की क्लास होती है, वो आपकी बायोलॉजी की सेक्शन की, साथ में एक 45 क्वेश्चन का जो टेस्ट है, तो ये आपको अभी जीडी का और जो एमडीएस का पेपर आने वाला है ना, उसमें आपको ये टेस्ट बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एग्जैक्टली जो आपका सिलेबस है ना, और जैसा पेपर आपका आता है, बिल्कुल उसी के बेसिस पे आपके 45 क्वेश्चन पोल के साथ हम कर रहे हैं। और आज इसका 13th टेस्ट है, राइट। मंडे टू फ्राइडे ये सारी आपकी क्लासेस रहती हैं, सैटरडे को जो भी रहेगा वो मैं आपको पहले से एक बार बता दूंगी, सैटरडे का जो भी रहने वाला है। और इस संडे जो है वो फाइनल आपका एक क्लास एमपीएस और जीडीएस। देखिए, एक क्लास डेडिकेटेडली ना एमडीएस के लिए लगाएंगे, जो कि जीके वाला पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करेगी, उसको कुछ पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे कितने टाइम के लिए। बाकी 7 PM पे आपकी एक क्लास चल रही है, जो शाम को 7 बजे चल रही है, जिसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अभी पार्ट मेरे साथ कर रहे हो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। साथ में करंट अफेयर्स मैं शुरू करने वाली हूँ आपके अक्टूबर से, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया ना, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर से आपके करंट अफेयर का सेशन शुरू हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी में आपकी ले रही हूँ 10 क्लासेस, 15 नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा आपको ना नहीं पढ़ना है, तो वो 15 इनिशियली मुझे लगा कि ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी, पर अभी ना 10 क्लासेस कवर करेंगे। तो अभी आज जो है ना वो 5th क्लास है आपकी, तो 5th क्लास है, उसके बाद 10 टोटल अपन कम्प्लीट करने वाले हैं, राइट। बाकी अन अकेडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोई भी लाइव क्लास लेते हो, आप शिप्रा लाइव कोड जो है ना यूज कर सकते हो। और अक्टूबर से हमारे 2 बैचेस जो है ना वो प्लस में भी शुरू हो रहे हैं, तो अक्टूबर से मैं आपको 2 बैचेस के साथ प्लस में भी पढ़ाऊंगी। और जो फुल थ्योरी वाला जो बैच है ना, फुल थ्योरी एकदम साइंस की जो डिटेलिंग थ्योरी होती है, जीके के कई पार्ट्स की जो डिटेलिंग थ्योरी है ना, वो मैं आपको कराने वाली हूँ अक्टूबर में। अक्टूबर से मतलब शुरू हो जाएंगे प्लस क्लासेस, तो वो फिर हमेशा ही चलते रहेंगे। तो अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी की क्लासेस करेंगे, प्योरली थ्योरी एकदम शानदार, जिसमें बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और साथ में इनिशियली मैं शुरू करूंगी ज्योग्राफी के साथ, है ना। तो 2 बैचेस में चलेगा ये, एक ज्योग्राफी का होगा बैच, एक होगा आपका बायोलॉजी का, बाद में उसको चेंज करके फिजिक्स और हिस्ट्री बना देंगे, एंड देन बाद में केमिस्ट्री के साथ में आपको पॉलिटी करा दूंगी। तो ये आपका सीक्वेंस चलने वाला है दोनों का ना, तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी क्लासेस कब चलने वाली हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट, अन अकेडमी पे आप कोई भी फ्री क्लास देखते हो या सब्सक्रिप्शन देखते हो, आप शिप्रा लाइव कोड यूज कर सकते हो और पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वीक में 6 डेज पढ़ाया करो, देखो कभी कभार ये होता है ना, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़े ऑफिस का भी चक्कर है, और थोड़ा इस लास्ट वीक को तबीयत का ज्यादा इश्यू था, इसीलिए क्लास जो है ना वही नहीं थी, वरना तो मैं सैटरडे को पढ़ाती हूँ ना, लेकिन इस वीक तबीयत का पूरे हफ्ते ही इशू था, इसीलिए सैटरडे की क्लास नहीं थी, कि 2 दिन थोड़ा सा ना ऑफ लेके कम से कम मैं अगले हफ्ते थोड़ा एनर्जी के साथ और काफी अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगी, इसीलिए क्लास नहीं हुई थी। अदरवाइज इस हफ्ते के लिए मैं पहले नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं सैटरडे संडे ना आपकी स्पेशल क्लासेस लेके आऊंगी, जो कि एमटीएस, जीडी और सीबीटी 2 को टारगेट करेगी, ठीक है। ये 3 एग्जाम के लिए इस सैटरडे संडे स्पेशल, तो इस बार का जो आपका सैटरडे संडे है ना, जीके हुआ, साइंस हुआ, कोई भी सेक्शन वो सीबीटी 2, एमटीएस और जीडी स्पेशल होगा, तो आपके जो भी एग्जाम्स है इसमें हम कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, विच ओशन हैज रिप्लेस्ड मालदीव्स टू होस्ट द 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स, ये बताइए, ये शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। किस देश ने 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए मालदीव की जो जगह है ना उसको ले लिया है, तो मालदीव की जगह कौन लेगा यहाँ पे, तो आप मेडागास्कर आइलैंड करके याद रखिए, मेडागास्कर, ये मालदीव में 2021 में ये बोला गया था, 2020 में ना ये जो गेम्स है ये बोला था कि भाई
जो है ना ये कौन होस्ट करेगा, मालदीव होस्ट करेगी। लेकिन COVID-19 की वजह से ना ये ऐसा हुआ, ठीक है। ये पहला जो इसका इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स का पहला जो पहला खेल था वो 1917, ठीक है। पहला ये जो गेम था वो कब हुआ था आपका, 1979 मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है। मेडागास्कर जो है वो हम आइलैंड बोलते हैं और काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इज द विनर ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है, किसने जीता है? अच्छा मैं इसको इसमें आपको ना मैं ये क्योंकि हम MTS और GDE और CBT 2 पे फोकस कर रहे हैं, अगली मेरी सारी क्लासेस जो है ना वो इन तीन एग्जाम्स को फोकस करते हैं। तो इसमें ना मैं आपको 2020 का करंट अफेयर, 2021 का करंट अफेयर और 2020 और 21 में जितने भी सब्जेक्टिव रिलेटेड चीजों में चेंज हुए, जैसे कहीं पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है या इंडिया को ही लेके बहुत सारी चीजें हुई है, G7 की मीटिंग हुई है हाल ही फिलहाल, G20 की मीटिंग हुई है, क्वाड की मीटिंग जो है वो 2-3 बार हो चुकी है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम इस क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा, तो यहाँ पे तमिलनाडु करके याद रखें, तमिलनाडु के द्वारा, और इसमें कैप्टेंसी किसने की थी, दिनेश कार्तिक, है ना, दिनेश कार्तिक के द्वारा कैप्टेंसी की गई थी, यहाँ पे तमिलनाडु करके याद रखें। रवि रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब joins the river, तो देखो हिमाचल और पंजाब से बहने वाली ब्यास नदी किस नदी में आके मिल जाती है, हिमाचल और पंजाब से बहने वाली ब्यास नदी किस बड़ी नदी में आके मिल जाती है। आपका ना ये नहीं, इसका ये रिवर वाला एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका अभी इनकम्प्लीट रह गया है, इसकी थ्योरी मुझे आपको करानी है, प्रोबेबली 7-8 तारीख में देखते हैं, 2-3 तारीख को तो हम क्वेश्चन करेंगे पूरा, 7-8 तारीख में ना मैं आपको ये नदी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना ये करा दूंगी। तो यहाँ पे ये बताइए, रवि रिवर ब्यास जो है वो हिमाचल और पंजाब नदी को जोड़ती है, कौन सी नदी बड़ी नदी को जोड़ती है, तो सतलुज नदी करके याद रखिए। अच्छा भाखड़ा नांगल डैम जो है वो इसी नदी पे है क्या, ये बताइए। भाखड़ा नांगल डैम जो भारत का पहला ऑफिशियल डैम जो है वो बोला जाता है और इसको हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया था, वो भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है कि नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। सतलुज नदी के किनारे या सतलुज नदी के ऊपर जो है ना भाखड़ा नांगल डैम जो है वो भी बना हुआ है ना, सही है ना स्टेटमेंट। Who among the following was the head of the government that was overthrown by the Bolsheviks in 1917 revolution? 1917 की क्रांति में उस सरकार का मुखिया कौन था जिसको बोल्शेविक ने उखाड़ के फेंका था, मतलब बताइए। चलिए जल्दी जल्दी, कौन सी ऐसी सरकार थी 1917 की क्रांति, मिलिट्री रेवोल्यूशन बोला जाता है, 1917 की क्रांति जो है वो मिलिट्री रेवोल्यूशन करके इसको बोला जाता है, सैनिक विद्रोह है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह अगर किसी को बोला जाता है ना तो आप याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह 1917 के रेवोल्यूशन को बोला जाता है, जहाँ पे बोल्शेविक्स ने अलेक्जेंडर करेंसकी की सरकार को ना उखाड़ के फेंका था, राइट। तो अलेक्जेंडर करेंसकी करके याद रखिए, अलेक्जेंडर करेंसकी, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज अ रेन बियरिंग क्लाउड, अच्छा आपके पास ना बादल तो हमेशा रहते हैं लेकिन सारे बादल तो बारिश नहीं करते ना, आपके पास कभी कभी ऐसे सुना होगा अरे आज बारिश बादल है लेकिन बारिश नहीं होगी, ये वाले बारिश वाले बादल नहीं है। तो इन चार कैटेगरी में से ना क्यूमुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेटस, निम्बस और साइरस, इन चार बादलों में से आप ये बताइए कौन से बारिश वाले बादल होते हैं जिनसे बारिश होती है। ये था पूरा लेनिन के द्वारा ही, लेनिन इसमें इन्वॉल्व था लेकिन लेनिन की सरकार नहीं थी, हालांकि लेनिन को करेंसकी से पूरा पूरा डर था, तो इसमें लेनिन करके आपको आंसर तो नहीं देना,
लेकिन हाँ आपको अलेक्जेंडर करेंसकी करके याद रखिए, कौन से टाइप के बादलों को ना आप रेन बियरिंग यानी कि बारिश के बादल बोलते हो? नहीं, निम्बस, निम्बस करके बोला जाता है। निम्बस शब्द का ये निम्बस ग्रीक लेटर है, इसका मतलब ही रेन स्टॉर्म करके होता है, रेन स्टॉर्म करके बोलते हैं। तो हमारे ये जो बादल है ना, ये अलग अलग तरीके के बादल होते हैं, जिनमें से वो बादल जो बरसते हैं, सुना ना, गरजने वाले बरसते नहीं है, है ना, ऐसे करके। तो निम्बस जो है ना, ये आपके गरजते भी है और बरसते भी है। निम्नलिखित में से कौन सी तेल शोधन शाला आसाम में स्थित नहीं है, बताना है, ठीक है? Which one of the following oil refinery is not located in the Assam? निम्नलिखित में से कौन सी तेल शोधन शाला आसाम में स्थित नहीं है, बताइए। तातेपक, नोमालीगढ़, बोइंगी बोगई गांव या दिगोई? अच्छा, निम्बस को हम ना डार्क क्लाउड्स करके बोलते हैं, इनके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए ये डार्क कलर के हो जाते हैं। और अगर आपको इनकी हाइट पूछा जाए तो 8000 फीट याद रखिएगा, निम्बस क्लाउड जो है ना वो 8000 फीट के ऊपर ही पाए जाते हैं, उससे नीचे नहीं पाए जाते। अच्छा, इनकी हम बात करें तो यहाँ पे तातीपाका जो है वो कहाँ पे है? तातीपाका, ये तातीपाका ONGC के अंदर आती है। तातीपाका किसके अंदर आती है? ONGC के अंदर, ऑयल नेचुरल एंड गैस, राइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप आंध्र प्रदेश याद रखिए, तातीपाका जो है ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप आंध्र प्रदेश करके याद रखिए, तातीपाका। अरुणाचल या आंध्र प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? भाई अरुणाचल प्रदेश ना लंग करिए, सही लंग करिए। तातीपाका जो है, तातीपाका जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, अरुणाचल नहीं। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है कहाँ पे? द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जिस पे आप रह रहे हो, है ना, ये सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल मंडल की सबसे ज्यादा गहराई जो है ना वो कहाँ पे पाई जाती है, अगर आप जैसे अभी आप मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हो ना 7 बजे की क्लास में, तो आप मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथोस्फेयर की सॉलिड, जो लिथोस्फेयर है सॉलिड पार्ट जो है ना, इसकी गहराई सबसे ज्यादा कहाँ पे है? दो तरीके के लिथोस्फेयर होते हैं, एक तो ऑशियनिक बोला जाता है, एक कॉन्टिनेंटल बोला जाता है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर दो ही दो चीजें है ना, एक तो आप ओशियन बोलो या दूसरा जो है वो आप कॉन्टिनेंट्स बोलो। अगर मरियाना ट्रेंच की बात करें तो डीपेस्ट पार्ट है ये, ठीक है? मरियाना ट्रेंच कौन सा डीपेस्ट पार्ट है, कितना गहरा है? 11,035 बोलेंगे, 11,035 मीटर यानी कि 36,201 फीट की गहराई में ये जमीन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट बोला जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर पे है। तो आपसे डायरेक्टली मरियाना ट्रेंच नहीं बोला है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, लेकिन आपको मरियाना ट्रेंच के संदर्भ में ही ये आंसर करना है, यानी कि पैसिफिक ओशन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज नोन एज, बताइए, भूकंप की लहर के उद्गम स्थल को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स क्या बोलते हैं? जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जहां से अर्थक्वेक जो है ना वो ओरिजिन करता है उसको आप क्या बोलते हो? अच्छा, एक बात बताओ, ये आपने ये बताया कि प्रशांत महासागर की सबसे जो डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ जो है वो मरियाना ट्रेंच की है। इसमें साथ में एक चीज और भी याद रखिएगा कि इस मरियाना ट्रेंच की खुद का भी एक डेप्थ पॉइंट है, मतलब पहले तो दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट जो है वो पैसिफिक ओशन में है, वो मरियाना ट्रेंच में है, और मरियाना ट्रेंच का भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है ना वो चैलेंजर पॉइंट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चैलेंजर पॉइंट। तो तीनों चीजें लग रहेगा। ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक किसको बोलते हैं? देखिए, भूकंप का केंद्र वो था, आपसे कभी भी कोई भी भूकंप हो जाता है या निकल जाता है तो यही स्टेटमेंट यूज करते हैं ना कि भूकंप का केंद्र जो है ना वो ये, तो कौन सा बोला जाता है? एपी सेंटर करके बोलते हैं, ठीक है? भारत में जितने भी मेन भूकंप आते हैं उनका एपी सेंटर ज्यादातर जो है ना वो अफगानिस्तान में ही होता है, मतलब इंडिया का, अगर इंडिया में अगर भूकंप आते हैं तो ज्यादातर अफगानिस्तान एपी सेंटर होता है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया सिस्मिक जोन के अंदर आता है, यानी कि हमारे हिमालय जो है ना ये सिस्मिक जोन के अंदर आता है, तो हमारे हिमालय जो है वो कभी भी हिल सकते हैं और अर्थक्वेक आ सकता है।
माधव राय की जाले इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर, ये बताओ। माधव राय की जले किस लोकप्रिय हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण है। तो हिमाचल में ना एक मेला होता है जिसको माधव राव की जलेब के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए ये वाला जो फेस्टिवल है ना ये कौन से ओकेजन पे होता है, दशहरा के टाइम पे, लोहड़ी के टाइम पे, शिवरात्रि या नलवारी। सीबीटी 2 की आप में से एमटीपीसी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर ध्यान से पढ़ के जाइए। आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर आर्ट का ही भाग होता है, उसमें आपको ये इंक्लूड करना है कि ये क्वेश्चन जो है ना आपको रेलवे तो पूछती ही पूछती है। इसमें शिवरात्रि करके याद रखिए, कोई बात नहीं, ए बी सी डी सारे ऑप्शन है, शिवरात्रि करके याद रखिए। माधव राय की जले ये जो है ना ये लोकप्रिय हिमाचली मेले का एक केंद्र बोला जाता है, तो शिवरात्रि करके याद रखिए शिवरात्रि। बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू इट, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति किससे संबंधित है। अंडे की टोकरी ये आपकी अंडे की टोकरी जो है ना ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे देखो हिल की शेप में है, ओवल शेप, अगर इस तरीके की जैसे कोई अंडे की टोकरी जैसे यहाँ पे ना और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ओवल जो है ना वो रखा हुआ है, छोटे छोटे हिल्स, राइट। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि भाई अंडे की टोकरी जो है वो किसको बोलते हैं, तो ग्लेशियर ड्रिफ्ट की वजह से ये बनता है, राइट। बास्केट ऑफ टोपोग्राफी करके बोला जाता है। तो आप ये याद रखिए कि किसी भी प्लेन के अंदर किसी ग्लेशियर के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जब रिप्रेजेंटेशन होती है तो वैसे रखा जाता है कि किसी बास्केट के अंदर ना खूब सारे अंडे हैं, तो ड्रमलेंस करके याद रखिए, क्या ड्रमलेंस। तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किसको बोला जाता है, ड्रमलेंस को बोला जाता है, ड्रमलेंस। तो एक बड़ी सी बास्केट उसके अंदर काफी सारे ना अंडे भर रखे हैं, तो ड्रमलेंस करके याद रखिए। लेक ग्रेट बिटर इज अ पार्ट ऑफ, लेक ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर झील जो है ना वो किसका भाग है, पनामा कैनाल, ग्रैंड कैनाल, स्विस कैनाल या सू कैनाल, बताइए। लेक ग्रेट बिटर जो है ना वो किसका भाग बोला जाता है, ड्रमलेंस करके याद रखिएगा, एग बास्केट ऑफ एग्स करके बोलते हैं। अब ये बताइए ग्रेट लेक बिटर किसका भाग है, अब ये देखो ये इजिप्ट के पास में ना लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बोली जाती है, राइट, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, मैंने बोला इजिप्ट के पास, अगर इजिप्ट के पास है तो ये किसका भाग होगा, कौन सी कैनाल का भाग होगा, अगर इजिप्ट के पास है तो इजिप्ट के पास अगर है तो ये स्विस कैनाल का भाग होगा, स्विस नहर जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कैनाल जो है उसके नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं पे भी ट्रेडिंग होती है या किस तरीके से ट्रेड होता चला जा रहा है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जोन से दूसरी जोन में जब ट्रेडिंग बोलते हैं ना तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग या सबसे ज्यादा जो शिप्स है ना वो स्विस कैनाल से निकलती है, इसी का भाग लेक ब्रिटेन बिटर बिटर बोला जाता है, लेक ग्रेट बिटर, लेक ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर जो है ये सॉल्टी वाटर की लेक बोली जाती है, तो स्विस कैनाल करके याद रखिए। नाइवेली, सिंगारेनी, कोरबा और सिंगरौली ये जो है ना ये क्या है आपकी खदाने, ये खदाने आपकी क्या प्रोड्यूस करती है ये बताइए, सारी अलग अलग है, माइका, आयरन और बॉक्साइट या कोल, ये बताइए, ये आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये सारी की सारी अलग अलग है। देखिए वैसे तो झारखंड जो है ना ये इस आंसर के रिजर्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक एक करके शुरू करूं, जैसे झरिया है, झरिया ओल्डेस्ट बोली जाती है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे झरिया, लेकिन झरिया ना धनबाद जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा झारखंड वाला धनबाद, वहां पे झरिया नाम का जो माइन है वो आपकी सबसे बड़ी कोल माइन करके बोली जाती है, कोयले की खान सबसे बड़ी झरिया में बोली जाती है। उसके अलावा बोकारो करके याद रखिए, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट है लेकिन बोकारो जो है वो कोल माइंस भी करके बोला जाता है, कोयले की खाने भी बोला जाता है। उसके अलावा कोरबा, सिंगरौली, सिंगारेनी और नैवेली ये सारी की सारी आपकी किस चीज की माइन है, ये सारी की सारी आपकी कोयले की माइनों को बोला जाता है, ठीक है। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट कोल माइन करके बोली जाती है, तो सिंगरौली करके याद रखिए। सिंगरौली मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, सबसे बड़ी कोयल माइन, कोयला की खदान मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली है,
तो ये सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जगह की दी हुई है। कोरबा जिसमें से बोला जाता है ये महानदी के पास है, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है, और कौन सी नदी के पास में पड़ता है ये, तो महानदी करके याद रखिए। तो ये सारे जो है ना ये नाम जो लिखे हैं उसके अलावा झरिया हो गया, बोकारो हो गया, ये सारे कोल माइंस होते हैं। नैवेली संगरेली, नैवेली कहाँ पे है, नैवेली आपकी तमिलनाडु के अंदर है, कहाँ पे है तमिलनाडु। तो नैवेली सिंगरेली कोरबा सिंगरौली बोकारा ये बोकारो झरिया ये सारे के सारे 7% जो हमारा कोल सिर्फ आंध्र प्रदेश से बन रहा है, तो सिंगरानी जो है वो आंध्र प्रदेश की होगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश अकेला 7% कोयला जो है वो भारत का निकालता है। नैवेली तमिलनाडु, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली मध्य प्रदेश, झरिया झारखंड धनबाद वाला, और बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट के पास में बोकारो माइंस, ये सारी की सारी आपकी कोयले की खदान के लिए या कोयले की माइंस जो है ना उनके लिए बोला जाता है। बराबर है, समझ आ गई, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मिनरल्स के रिस्पेक्ट में ना, ये पूरी की पूरी जो चीजें है ना वो लर्न करनी है आपको, तो मिनरल्स वाला पूरा सेगमेंट याद रखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए आंसर। विच अमंग दी फॉलोइंग, विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड, भारत की क्यों मानिए, वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में ये बताइए भारत के अंदर टोटल कितने लैंड लॉक्ड राज्य हैं। ठीक है, भारत के अंदर टोटल कितने लैंड लॉक्ड राज्य, कजाकिस्तान करके याद रख लें इस क्वेश्चन के लिए। Which one among the following is the largest landlocked country in terms of geographical area? So Kazakhstan, right? अच्छा, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है ये बताइए एक बार। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या कजाकिस्तान वास्तविक रूप से सारी जगह से लैंड से घिरा है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो आप लिखोगे नो। क्यों भाई? क्योंकि कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सी जो है ना, कैस्पियन सागर जिसे हम बोलते हैं, तो कैस्पियन सागर जो है वो कजाकिस्तान के पास लोकेटेड है। राइट, कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर लोकेटेड है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री में हम ओशंस की बात करते हैं, इसीलिए इसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया जाता। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है, या नूर सुल्तान करके याद रखे, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। दूसरी बात याद रखे, भारत में अगर आपसे राज्यों की संख्या पूछी जाए कि कितने राज्य जो है ना वो लैंड लॉक्ड है, तो आप चार ही लिख पाओगे, ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे। चार जो है वो ऐसे लैंड लॉक्ड है जिनसे ना तो किसी भी दूसरे देश के साथ जो बाउंड्री, देखो एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस है, भारत के ऐसे चार राज्यों के नाम बताइए जो ना तो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि पानी के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिलनाडु गोवा आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल, इस तरीके से भी नहीं, और दूसरा दूसरी किसी विदेशी मुल्क के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे भारत के राज्य जो ना तो किसी बाउंड्री से शेयर करते हैं दूसरे कंट्री की, ना पानी के साथ शेयर करते हैं, तब आपको चार आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चार टोटल याद रखे, हरियाणा एमपी तेलंगाना तो है, छत्तीसगढ़ हो गया ना, हरियाणा तेलंगाना ये हरियाणा भी हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक मतलब किसी दूसरे के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करते और पानी के साथ भी नहीं करते। कृष्ण देव राय कैपिटल सिटी विजयनगर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स, बताइए कृष्ण देव राय की राजधानी जिसका नाम था विजयनगर, वो कौन सी नदी के किनारे पे जो है ना वो आपका अरेंज, कौन सी नदी के किनारे? अच्छा, तेलंगाना डिवीजन के, हाँ तेलंगाना के बाद, तेलंगाना भी तो अंदर की तरफ ही है, ठीक है, तेलंगाना भी तो इंक्लूडेड होगा, तेलंगाना भी अंदर ही है, पहले चार अभी पांच, तेलंगाना भी है ना, तेलंगाना तो अभी, तेलंगाना के बाद पांच हो गया, बिल्कुल, हरियाणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना झारखंड, पांच से पांच भारत के ऐसे राज्य जो ना तो पानी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ना ही किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क के साथ। राइट, अजी बताइए कृष्ण देव राय की जो कैपिटल है जिसको विजयनगर के नाम से जाना जा रहा था, वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई कैपिटल सिटी बोली जाती है?
ठीक है, तुंग भद्रा या तुंग तंग भद्रा, याद रखिए कृष्ण देव राय की जो कैपिटल सिटी थी विजयनगर, वो तुंग भद्रा नदी के किनारे बसी हुई थी। विच ऑफ दी फॉलोइंग वाज दी होमलैंड ऑफ दी बाबर। अजी बाबर जो है वो बेसिकली कहाँ से था? वैसे तो आप ये सारे अफगानी बोलते हो, ये सारे अफगानी तुर्की बोले जाते हैं ना, सारे के सारे तुर्क वाले साइड से रहते हैं, अफगान से रहते हैं, लेकिन अगर बाबर की एग्जैक्टली होमलैंड बोलेंगे तो कौन सा है? फरगना, 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 समरकंद, बुखारा या सोग्डियाना। सोग्डियाना किसी एक पर्टिकुलर दिन जो है ना वो सिर्फ यही वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तुलुक डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर में टोटल कितनी कितनी शासकों ने राज्य किया था? विजयनगर एम्पायर के अंदर कुल कितने शासक थे? चार, है ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कृष्णदेव राय तुलुक डायनेस्टी के राजा इनको बोला जाता था। बाबर का एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा था? बाबर का होम टाउन, बाबर की 1483 करके बोलते हैं फरगना वैली जिसको बोला जाता है, 1483 में बाबर का जो है वो जन्म हुआ था, और उस टाइम पे ये फरगना आज के उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। आज जो ये उज्बेकिस्तान हम बोलते हैं ना, उसका हिस्सा जो है ना ये बोला जाता है उज्ब का, तो फरगना करके याद रखिए। आज का जो उज्बेकिस्तान है उसमें बाबर का जन्म हुआ था। इंडी मेसोपोटियम मेसोपोटेमियम के रिकॉर्ड के हिसाब से इंडस वैली रीजन जो है ना इसको किस हिसाब से बोला गया? मतलब देखिए, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भारत की सभ्यता, ईरान की मेसोपोटामियम सभ्यता जो बोली जाती है, या चाइना की, तो उन लोग के मेसोपोटामियम के जो भी इनके पास ऑथर्स राइटिंग्स जो उनको मिली है ना, उसमें हमारी भारत की जो उनके शिलालेख या उनकी जो किताबें हैं या कहीं पे राइटिंग पार्ट है, उसमें भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है कि एशिया के इस वाले जोन में एक सभ्यता जो है वो पनप रही है, तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, किस नाम से पनप रही है? तो मैलोहा करके बोला जाता है। मैलोहा आपकी एक नोवल भी है ना, नोवल भी है, एक किताब भी है इस नाम से, मैलोहा नाम की ना एक किताब भी है, तो मैलोहा करके याद रखिए, मैलोहा के नाम से रिप्रेजेंट किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य शामिल होते हैं, कौन कौन से? वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं लिख रहे हैं, तो ध्यान से आंसर करिएगा कि हम प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, वो इलेक्टोरल कॉलेज से कंसिस्ट मतलब कौन से मेंबरों के या कौन से सदस्य के निर्वाचक चुनाव के द्वारा उनको सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट कौन चुनते हैं? जो विनिंग पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी जो जीत के आती है, उसी में से ही चुनाव होता है। सीक्रेट बैलेट होता है जो इलेक्शन कमीशन कराती है। हालांकि इसका तरीका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही है जो प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन उसके बाद भी आप याद रखिए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदन, यानी कि आपका आर्टिकल नंबर 81 और 79 तो पार्लियामेंट के लिए ही है, तो मैं लोकसभा और राज्यसभा का आर्टिकल आपको बता दे रही हूँ, 80 और 81, राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों आर्टिकल के तहत जितने भी लोग आते हैं वो सबके सब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नौकरी की रिक्तियों के क्षेत्रीय या व्यवसायिक पैटर्न में बेमेल और कार्यकर्ता उपलब्धता के पैटर्न में परिणाम होता है। कौन सी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट आती है? द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न जॉब वैकेंसी। जैसे रीजनल और ऑक्यूपेशनल क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में जॉब्स की जो है ना वो कमी हो गई, या किसी पर्टिकुलर जोन्स के अंदर ना जॉब की कमी। आपने एक तो बहुत सारे टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक तो वो कि हम पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है लेकिन हम अपनी काबिलियत से कम की नौकरी कर रहे हैं, है ना, उसी तरीके से हम किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर क्या हो जाए कि भाई नौकरियां उस जोन में है ही अवेलेबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा बड़े पार्ट पे इकोनॉमी अगर फंडामेंटली शिफ्ट हो जाती है, जैसे कंपनियों को जरूरत ही नहीं है, राइट, तो वो लेंगी नहीं, तो एक पर्टिकुलर जोन में वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे भाई? उसको ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
कि स्ट्रक्चर खराब हो गया, एक एक लूप बन गया या एक वैक्यूम क्रिएट हो गया किसी जोन की वजह से। या मान लीजिए किसी एरिया में ना पांच, अच्छा इसको ऐसे भी समझो आप, किसी एरिया में मान लीजिए कि पांच फैक्ट्री जो है वो लगी हुई थी, उसके आसपास के लोगों को काम दिया जा रहा था। इनकेस जैसे कोरोना आया, ये पांचों फैक्ट्रियां बंद हो गई है ना, तो इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो आप इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिए और ये वैक्यूम जो है वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को रिजल्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल। Who among the following founded the भील सेवा मंडल 1922 में? 1922 में भील सेवा मंडल की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? इनको ना बापा के नाम से भी जाना जाता था। जिसमें आंसर है ना उनको हम बापा के नाम से भी आप पढ़े होंगे कि भाई बापा ऐसा करके ना सोशल वर्कर्स बोला जाता है। और इन्होंने ना सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पीपल्स है ना उन्हीं की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था, तो उसी से रिलेटेड है ये भील। वही है भील जनजाति जिसको हम बोलते हैं ना, वही वाली भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है। भील सेवा मंडल जो है ना उसकी शुरुआत की 1922 में। किसके द्वारा शुरू किया है यहाँ पे, किसके द्वारा? तो अमृत लाल विठल दास ठक्कर, और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठक्कर बापा के नाम से। In 1911, who among the following introduced a bill in the Imperial Legislative Council for introduction of compulsory and free primary education in India? ये थे। 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए Imperial Legislative Council में एक बिल पेश किया था? तो 1911 से चल रहे कि भाई अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है ना वो आपको देनी है, तो किसके द्वारा ये बिल रिप्रेजेंट किया गया था? तारीख थी 16 मार्च 1911। प्राइवेट बिल जो लाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले करके याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये बिल पेश किया गया था जिसमें फ्री एंड फेयर और कंपल्सरी एजुकेशन देने की यहाँ पे बात किया था। ठीक है, तो ये याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए, विच मराठा स्टेटमैन साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन December 31, 1802? ये बताइए, 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बेसिन की संधि जो थी ना उस पे हस्ताक्षर किया था? जल्दी जल्दी किसने हस्ताक्षर किया था? देखिए इसीलिए ना ये दस्तावेज जरूरी होते हैं, इन सारी संधियों के ना दस्तावेज जो है ना वो अभी भी मौजूद है, इसीलिए तो एग्जैक्ट डेट पता लग गई है कि 31 को ही किया गया था, 31 दिसंबर 1802 का। अब आपने से कि अरे ये डेट कैसे पता, 1800 की बात है ये कैसे पता, तो इनके प्रॉपर दस्तावेज आपको बताएं अभी भी रखे हुए हैं, मतलब अभी भी रखे हैं। इसको वसाई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस संधि से? वसाई की संधि से। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में ये पूरी ट्रीटी साइन हुई थी। इस टाइम पे वेलेस्ली जो है ना वो कंपनी में सर्वोच्च पद पे था। कौन? वेलेस्ली करके याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली जो है ना वो इस टाइम पे कंपनी में सर्वोच्च पद पे जो है ना वो शामिल था। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू, भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर तक फैली। देखिए हर कंट्री की अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स होती है। अगर हमें अपना शिप जो है वो मालदीव में लेके जाना है, या हमें अपना शिप जो है वो ट्रेडिंग के लिए साउथ चाइना सी से लेके जाना है या स्विस कैनाल से निकलना है, तो उस रूट में जाने वाली या उस रूट में पड़ने वाले जितने भी टेरिटोरियल कंट्रीज के राइट्स हैं उन सबसे बात करनी होती है, तभी हमारी शिप जो है वो निकलती है। शिप्स के ऊपर ऑलरेडी सबके जो कंट्रीज है ना उनके एरिया के ऊपर डिसाइड होता है। हमारी टेरिटरी से भी कोई शिप निकल नहीं सकती, निकलनी है तो वो हमसे परमिशन लेगी, तो उनके लिए गेट्स खोले जाते हैं। जैसे कंट्री टू कंट्री जो है ना वो बाउंड्रीज है, वैसे ही शिप्स टू शिप्स भी बाउंड्रीज है, ये ओशन टू ओशन भी बाउंड्री है, राइट। तो ऐसे करके अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो कितनी नॉटिकल माइल्स है, एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया, 12 नॉटिकल माइल्स करके याद रखिए। भारत की जो टेरिटोरियल लिमिट है ना वो 12 नॉटिकल माइल्स बोली जाती है। अरेबिका रोबस्टा और लिबेरिका आर वैरायटीज ऑफ अरेबिका रोबस्टा और लिबेरिका किसकी किसमें है?
अरे यहाँ कुछ बोलने से पहले पापा जी अपना नाम तो सही लिख देते। डर और शर्म किसको आ रही है, ये किसको किसको बता रहे हो बताओ जरा। अपना नाम लिखने में डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है, और बोल यहाँ पे रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ट्वेल्व आर्टिकल्स में ये सारे। अच्छा आप ये कभी पढ़े हो ना, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे? अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। ये अरेबिका कॉफी, अरेबिका। ये सीसीडी में जाते हैं तो इनके नाम बदल के पता नहीं किस बात के लिए 350 ₹500 की कॉफी। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका जो है ना ये। अच्छा भारत के अंदर टोटल स्पीशीज की अगर बात करें ना, कॉफी की संख्या कितनी है, तो भारत के अंदर 106 स्पीशीज जो है ना वो कॉफी की आती है। अच्छा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी कॉफी बताइए, और मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, स्टेट का नहीं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी कॉफी इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। बढ़िया तरीके से एक्सपोर्ट भी करते हैं हम यहाँ पे, इंडिया काफी अच्छा एक्सपोर्टर है कॉफी का। कहाँ? कर्नाटका का। एग्जैक्टली बताइए, एग्जैक्टली बताइए। होगा, बिल्कुल होगा, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, क्योंकि सारी चीजें ना आपकी प्लान रहती हैं। तो आप ये टेंशन ना लो, आपकी जितनी भी इस क्लास के बाद या शाम की क्लास के बाद ना, आफ्टर एक तो नहीं बोलूंगी, एक ही क्लास के बाद चमत्कार हो जाएगा। जब आपको चीजें कनेक्शन करना आएगा ना, जिस दिन आप ये समझ जाओ, और इस क्वेश्चन में हमने कॉफी वाला क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, उस दिन आप समझ जाना आप ऑन द राइट ट्रैक। एक आध महीने के अंदर ना, देखिए किसी भी चीज को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ना कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए होते हैं। तो वही वाली चीज है, आफ्टर वन वन एंड हाफ मंथ आपको खुद से चीजें समझ जाएंगी। कर्नाटका नहीं, मैं आपको कर्नाटका की एग्जैक्ट लोकेशन बोल रहा हूँ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मुझे पता है, आप लोग को सबको पता है कि कर्नाटका है। मैं आपसे कर्नाटका की एग्जैक्ट लोकेशन पूछूं तो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, राइट। चिकमंगलूर जो है ना वो आपकी चिकमंगलूर करके याद रखिए। सबसे ज्यादा भारत के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट अगर कॉफी बनाता है ना, तो वो कौन बनाता है? चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर में भी बाबादून करके कोई हिल्स है, बादामी तो यहाँ नहीं है। अच्छा चलिए चिकमंगलूर ही याद रखिए, हिल्स देखते हैं अभी एक बार, देखनी पड़ेगी। एल्युमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, एल्युमिनियम का जो निर्माण होता है ना ये कहाँ से होता है? कॉपर से, बॉक्स। अच्छा ये तो बहुत इजी है, ये तो आप सबको पता होगा। चिकमंगलूर, बिल्कुल चिकमंगलूर ही देना है ना आपको, चिकमंगलूर ही याद रखना है। बाबा बुद्धन की पहाड़ियां। अच्छा बाबा बुद्धन ही है ना, तो वही मुझे लग रहा था ये बुद्धन या बादाम करके या बादाम हिल्स क्या बोलते हैं वो, बाबा बुद्धन। बॉक्साइट और करके याद रखिए ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ द चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया, कौन से साल में खो दिया बताइए? मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, चीन पे भी पूरा देखे, ईस्ट जो इंडिया आई थी कंपनी उसने पूरी कोशिश की थी कि खाली भारत नहीं, चाइना के ऊपर भी यहाँ पे काफी सारी मतलब कम से कम डजन ऑफ दी फैक्ट्रीज, डजन ऑफ दी ब्रिटिश फैक्ट्रीज वर अबाउट टू सेट अप इन चाइना। चाइना के अंदर पूरी कोशिश कर ली उन्होंने पूरा ट्रेड के ऊपर मोनोपोली जलाने पूरी, और तब तक की जब तक की सिल्क रूट जो है ना वो पूरा बर्बाद नहीं हो, मतलब सिल्क रूट को, सिल्क रूट चाइना और इंडिया का काफी अच्छा रूट था, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन हालांकि उसको बाद में भी हमने कंटिन्यू रखा काफी टाइम तक, सिल्क रूट जो है वो एक चीज ना, इंडिया और चाइना एक चीज मैं आपको बता दूंगी, आज चाइना अपनी हदें पूरी पार कर रहा है, और खाली हमारे साथ नहीं 14 स्टेट्स के साथ, 14 कंट्रीज के साथ कर रहा है जिनके साथ वो बॉर्डर कर रहा है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में अगर लड़ाई है ना, तो वो 2 कंट्रीज की वजह से, मतलब एक तो उसी टाइम की ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जान के इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई करी, और हमारे को जब आजादी मिल गई ना तभी भी इंडिया चाइना अच्छे टर्म्स पे थे, लेकिन उस टाइम पे ना अमेरिका और रशिया, स्पेशली अमेरिका, अमेरिका ने हर वो काम किया जिससे इंडिया और चाइना जो है ना वो कभी भी एक साथ खड़े हो ही नहीं पाए। तो यहाँ पे आंसर आपको ना 1833 देना होगा, 1833, ठीक है 1833।
तो वैसे तो हमारा देखो ये बात बहुत बड़ी है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी इंडिया चाइना अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही इन लोग को लगा कि नहीं भाई चलिए अभी अगर इंडिया चाइना दोनों एक साथ मिलकर ट्रेडिंग करने लगे तो अमेरिका का तो क्या ही होगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इंडिया चाइना को अलग करने की सबसे बड़ी साजिश जो है ना ये अमेरिका की है। ये इतना जो अरब कंट्रीज के अंदर ये जो इतनी लड़ाइयां दंगे, ये तालिबानी इतनी बंदूकें लेके घूम रहे हैं, ये बंदूकें उनको दे कौन रहा है? रशिया ही तो दे रही है ना, अमेरिका ही तो दे रही है ना बंदूकें। अगर उनको दी नहीं जाए तो वो लोग बंदूक बना भी नहीं पाएंगे, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बंदूक बना ले, लेकिन रशिया और अमेरिका उनको बराबर बंदूकें सप्लाई कर रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं गोलियां चल रही हैं, जब गोलियां चलाने के लिए बंदूकें देंगे तो बंदूक तो चलेगी चलेगी, गोलियां चलेगी चलेगी। 1833 करके याद रखिए, 1833 के बाद चाइना ने अंग्रेजों की इंटेंशंस को समझ के पूरी तरीके से उनकी जो उनकी जो है ना वो सब कुछ खत्म कर दिया, मतलब पूरी पॉलिसी जो है ना वो खत्म कर दी यहाँ पे, राइट? चलिए इतना ठीक है। आह 1962 के बाद तो फिर चाइना जो है ना वो सही बैठा ही नहीं, इसलिए इतना ही लर्न कर लीजिए, कोई बात नहीं। राइट राइट राइट, शाम को। अच्छा इस क्लास में ना हमारे पास टाइम लिमिट होती है, इसलिए हम 25 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमारी जो शाम की क्लासेस हैं जैसे 6 बजे वाली क्लासेस साइंस की, उसमें हम पूरा पार्ट कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से 45 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट मैं आपको शाम को कराती हूँ, जो कि 9 PM पे होगा, तो 45 मिनट में हम कंप्लीट कर लेते हैं सारा टेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा जीके के क्वेश्चन के लिए ना आप मेरे साथ शाम को, राइट? 45 क्वेश्चन इसमें करते हैं, और जो 7 बजे वाली क्लास है उसमें हम 50 क्वेश्चन पूरे करते हैं। मैं आपको हर दिन पूरे 50 क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि वहां पे ना मेरे पास 1 आवर पूरा होता है, तो हम आराम से कॉल में ना कर पाते हैं। अच्छा ओलंपिक्स की जो PDF है वो आपको अपडेट नहीं हुई है ना, तो आज अभी इस क्लास की PDF जो ये 25 क्वेश्चंस की PDF आपको मिलेगी ना, आज के क्वेश्चन की, उसके साथ आपको ओलंपिक्स वाली PDF भी मैं वापस अपडेट कराती हूँ। मतलब मेरी तरफ से जा चुकी है, लेकिन एक बार मैं फिर से अपडेट करा देती हूँ, राइट? तो PDF आपको पता ही कहाँ मिलती है, कमेंट बॉक्स में। और शाम को आपको मेरे साथ कहाँ पे जुड़ना है, 6 बजे 7 बजे और 9 बजे की क्लासेस में। अभी वो अपडेट नहीं हुए, मैं आपको आधे घंटे में अपडेट कर दूं, फिर आप एनरोल करिएगा, ठीक है? तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। ओलंपिक्स वाली मैं अपडेट करा दे रही हूँ, ओलंपिक्स वाली। हाँ MTS वाला सिमरन, MTS वाला इस पूरे हफ्ते MTS पे थोड़ा फोकस करेंगे, स्पेशली सैटरडे संडे MTS पे फोकस करेंगे। तो सैटरडे संडे इस बार आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी और क्लासेस होंगी, ठीक है? और MTS पे ही थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है? तो गाइस अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।